think you were 14. If I'm not wrong, please correct me. You were 14 when you did your first film as a heroine. Yes, with Dara Ji, I did Faulaad. Faulaad, उस फिल्म का नाम है. दारा सिंह जो थे वो उसके हीरो हैं. वो हाँ. ठीक है. उसमें एक आपने गाना किया. वहाँ की बहुत पॉपुलर डांसर थी मीनू मुमताज, महमूद साहब की बहन. ठीक है. महमूद साहब भी बहुत बड़े एक्टर हैं वहाँ के. वो एक बहुत पाए की डांसर थी और उनका डांस बहुत मशहूर था. और पहली बार आपने उनके साथ परफॉर्म किया और बड़ा मैंने आई वॉच द सॉन्ग. इट वॉज ब्रिलियंट. And she looked amazing, and it was such a nicely done song that I saw it so many times. तो वो एक्सपीरियंस बताइए मुझे कैसा था. अरे ऐसा ना, आई वॉज शिवरिंग. मैं कांप रही थी जब मैं सेट पे गई, क्योंकि शी वॉज वन ऑफ द बेस्ट डांसर्स दोज डेज, उस ज़माने की. और बहुत ही अच्छी थी, बहुत फास्ट, हर मोमेंट्स उन्होंने किया था. मुझे कुछ भी नहीं आता था, तो बहुत डर 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 के मैंने किया. तो सही पर उनके जितना अच्छा तो नहीं किया, लेकिन कर लिया. अल्लाह का हाथ था तो कर लिया मैंने. आई वॉज वेरी नर्वस. और उसके बाद चल सो चल पहली फिल्म, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मलिका जी और मुन्नू मेरे मोइन बेग भाई बैठे हुए हैं यहाँ पे, वो भी मुझे करेक्ट करेंगे क्योंकि आपको हम इतना जानते हैं, मैं तो पर्सनली भी आपको जानता हूँ और आपके बारे में हमने खास रिसर्च भी की है. यू डिड अ फिल्म विद दिलीप साहब जो आपका पहला मेजर ब्रेक थ्रू था. दिलीप कुमार साहब की फिल्म थी वो, क्या वो हीरोइन थी आप उनकी? तो दिलीप साहब के साथ काम करना, यानी यूसुफ साहब के साथ काम करना, इट वाज अ बिग थिंग, यू नो, एंड दैट वाज योर फर्स्ट ब्रेक थ्रू एज अ मेजर मेनस्ट्रीम हीरोइन. हाँ, उनके साथ काम करने के बाद तो कोई खैर सवाल ही नहीं उठता कि कोई काम ना करे. लेकिन मैं महमूद जी की बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं मरते दम तक नहीं भूलूँगी कि उन्होंने मुझे दिलीप साहब से कहा हज़ार बार कि यूसुफ साहब एक लड़की है बेचारी, उसके साथ आप काम करो. क्योंकि वो अब उनका ऐसा ख्याल था, मुझे नहीं मालूम, वो समझते थे कि आई हैव अ गुड हाइट, आई यूज़ टू लुक ब्यूटीफुल, आई वाज गुड इन डांस, हर चीज़ में अच्छी थी. तो बोले कि तुम एक शॉट देख लो उसका, अगर आपको लगे, क्योंकि राम और श्याम में उनका डबल रोल था. तो डबल रोल था तो उन्होंने कहा कि एक में वहीदा जी, एक में इनको ले लीजिए और अपनी है, यू नो हाउ इट इज. अच्छा. तो उन्होंने कहा ठीक है तो दिखा दो मुझे. और उन्होंने थिएटर में देखा, देखने के बाद बोले महमूद लड़की अच्छी है, खूबसूरत है, देखने में बुरी नहीं, अच्छी है, हाइट है, फिगर है, सब है, और डांस वांस भी कर लेती है. तो मैं कर लूँगा, क्यों नहीं करूँगा, ज़रूर करूँगा. और मैं उनकी क्या बोलूँ, आज तक मैं याद रखती हूँ कि अगर वो काम नहीं करते तो शायद मैं इतनी बड़ी स्टार नहीं बन सकती थी. वाओ. क्योंकि आप जानती हैं यूसुफ खान साहब दिलीप साहब की पूरी दुनिया फ़ैन है, जैसे आपकी पूरी दुनिया फ़ैन है, उस तरह एवरीवन एनीवेयर. वो कहते हैं ना, आर्ट की कोई बाउंड्री नहीं होती इस काम की, सिंगिंग है, म्यूज़िक है, अदाकारी, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है. तो हम लोग पूरी दुनिया में उनको पसंद करते हैं, आपको पसंद करते हैं. मुझे ये बताइए, उनके साथ काम करने का कोई ख़ास वाक़या, कोई एक्सपीरियंस ऐसा बताइए जो आपने बहुत कम लोगों के साथ शेयर किया है. हाउ वॉज इट द फर्स्ट शॉट विद हिम, द फर्स्ट सॉन्ग दैट यू डिड विद हिम, How was the experience? आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरा जो फर्स्ट शॉट था ना, वो ये था कि वो वहाँ बैठ के कुछ पढ़ रहे हैं और उसकी माँ ढूंढ रही है मेरा बेटा कहाँ चला गया, कहाँ चला गया. और वो बदल गए हैं, राम की जगह शाम, शाम की जगह राम. तो मैं देखती हूँ आके, पहला शॉट पहले आके देखती हूँ, अरे बेशरम, तेरी माँ वहाँ तुझे ढूंढ रही है और तू यहाँ बैठ के ताड़ करके उनको एक मारना था ज़ोर से. और मैं उनको मारी टक, काट काट काट. मुमताज क्या कर रही हैं आप? मैं बोली जी मारने के लिए बोला है, सहलाने के लिए नहीं बोला है, ये क्या हो रहा है, लगाओ मुझे एक ज़ोर से लगाओ, यू नो. तो मैं बोली जी जी जी, बोले जी 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 नहीं, चलो मारो मुझे ज़ोर से. तो उसके बाद मैंने दूसरी बार लगा दिया फिर. आई वॉज रियली नर्वस, वेरी नर्वस. इतने बड़े स्टार को पहला शॉट, पहला दिन, और मारना, तो इट वॉज मुश्किल, बहुत ही मुश्किल. आई वॉज सो सो नर्वस, सो नर्वस. ओके, सो आई वुड ऑल्सो लाइक टू आस्क दैट यू हैव वर्क विद सो मेनी ब्रिलियंट एक्टर्स, बट आपकी जोड़ी जो मशहूर हुई, जिस तरह हमेशा इंडस्ट्री में जोड़ियाँ बहुत मशहूर होती हैं, आपकी जोड़ी राजेश खन्ना के साथ बहुत, राजेश जी के साथ बहुत फेमस हुई. सो उसके पीछे कोई खास वजह थी क्या? पता नहीं, वो भी उस वक्त पहली बार आए और एज ए हीरो आए. मैं तो उस वक्त इतनी बड़ी स्टार भी नहीं थी, लेकिन
उनका भी मैं शुक्र अदा करती हूँ कि उन्होंने, बंधन वॉज माई फर्स्ट पिक्चर, उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया एज अ हीरोइन. कुछ नहीं कहा, ठीक है मैं काम करूँगा. आई थिंक हमारे सितारे मिलते होंगे शायद, कोई कोई लोगों के सितारे मिलते हैं कि हम, हमारे यहाँ भी शादी करने से पहले देखते हैं कि ये लोग जोड़ा अच्छा होगा कि बुरा होगा. तो हमारे सितारे मिलते, जो भी पिक्चर मैं करती थी उनकी हिट हो जाती थी, हमारी हिट हो जाती थी, पता नहीं क्यों. एक केमिस्ट्री थी. तो मैंने 13 या 14 पिक्चर की होंगी आई थिंक, ऐसे रफली सब हिट, सबके गाने हिट हैं, ऑल ऑफ देम. कोई फ्लॉप हुई नहीं, कोई हुई नहीं फ्लॉप. अच्छा राजेश खन्ना साहब, आप तो डांस बहुत अच्छा करती हैं. यू आर सच अ वंडरफुल डांसर कि आई, व्हेन आई वॉच योर मूव्स दे आर सो परफेक्ट कि नॉट अ सिंगल बीट, शी डज नॉट मिस अ सिंगल बीट, यू आर आउट ऑफ द वर्ल्ड. कि आपने एक बाकायदा ट्रेनिंग ली है डांस की जी, और वो ट्रेनिंग किससे ली आपने? वो सितारा भाई और गोपी किशन करके कथक के बेस्ट डांसर्स थे हिंदुस्तान के, उनसे ट्रेनिंग ली कथक डांसर्स. ओके, सो यू लर्न कथक. तो उनके फैमिली वाले थे वो, बीबी भाई थे उनका नाम, और उन्होंने हम, मुझे और मेरी बहन को सिखाया. एंड शी वॉज वेरी वेरी पर्टिकुलर कि अगर हाथ भी जाए तो ऐसा ना जाए, हाथ ऐसे जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए, ऐसे जाना. एक लगा देते थे ताड़ करके, ये क्या है, ये क्या है, ग्रेसफुली करो. तो वो आ गया मुझे बचपन से, मैं होंगी कुछ 11-12 साल की, तब से सीखती थी डांस. तो मेहरबानी उनकी कि उन्होंने मार मार के हाथ पैर सब ठीक कर दिए. राजेश साहब डांस में अच्छे थे क्या? नहीं तो आपके साथ स्टेप्स बहुत फॉलो करते थे वो. मैं उनकी मास्टर थी. अच्छा ये जरा बताइए मुझे, क्या एक्सपीरियंस है उनके साथ? नहीं जैसे वो दुनिया में गाना था, लोगों को धोखा कभी, लोगों को धोखा कभी हो जाता है. अच्छा इसका बताइए क्या हुआ? तो उसमें जरा उनका डांस था, पता नहीं आप लोगों को याद भी होगा कि नहीं. तो क्योंकि इतनी पिक्चर हमने साथ की, वो थोड़े अलूफ रहते थे, सबके साथ मिक्स नहीं होते थे, लेकिन हमने इतनी फिल्में की तो ही यूज़ टू लिसन टू मी. कभी कभी इज्जत देते थे और ही यूज़ टू लिसन टू मी. तो मैं उनको हाथ वगैरह दिखा देती थी, और उसमें एक मूवमेंट था कि वो घुटने पे आगे जा रहे हैं और मैं पीछे जा रही हूँ, तो वो घुटने पे मूव ही नहीं होते थे जब. तो फिर कैमरा बोलता था कट कट कट, मुमताज़ जी आप राजेश खन्ना जी के मुँह कवर कर दिए. तो मैं क्या करूँ, ये हिल ही नहीं रहा, तो मैं क्या कर सकती हूँ. ऐसे होता था. तो मैं उनको बोलती थी ठहरिए, हम लोग को रिहर्सल करने दीजिए, हम लोग रिहर्सल करेंगे और उसके बाद शॉट लें. 5-6 बार मैंने उनको करा मूव काका मूव काका मूव, फिर उनको आ गया, फिर हम लोगों ने वो शॉट लिया कि हम लोग घुटने पे मूव कर रहे हैं. आप कभी भी वो गाना देखेंगे तो देखना, हम दोनों घुटने पे आगे आगे जा रहे हैं, यू नो. सो यू यूज्ड टू कॉल हिम काका, वाज ही फेमस इस नाम से इंडस्ट्री में? हाँ, काफी लोग कहते थे काका, काफी, बट नॉट ऑल ऑफ देम. या जो करीबी थे वो काका बोलते थे. ठीक है. अच्छा आपका ताल्लुक ईरान से है ओरिजिनली, योर फादर एंड योर मदर इज फ्रॉम ईरान. इसके बारे में कुछ बताइएगा, क्या अभी भी आपका ईरान आना जाना होता है? Oh yes, my sister goes every year. She goes. अच्छा, really? Okay. So you have relatives over there? हाँ. Okay. हाँ, हम लोग शिया हैं, तबा तबाही हैं, दोनों साइड से शिया हैं. और फिर पता नहीं क्यों मेरे फादर ने डिसाइड किया कि मैं बॉम्बे जाके बिजनेस करूँगा. एंड ही हैड स्टोरिया होटल जो आज भी कोलाबा पे है, ह्यूज बिल्डिंग. ओके. उसके मालिक थे और ड्राई फ्रूट्स के करते थे. तो हम लोग वहाँ, फिर हम वहाँ पैदा हुए, दोनों बहनें वहीं पैदा इन बॉम्बे और वहीं बड़े हुए. ठीक है, वेरी नाइस, वेरी नाइस.